दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, बीएड और बीटीसी की पल पल की अपडेट हम आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं और बीएड के अभ्यर्थियों की दोस्तों दुख और दास्ता को वही समझ सकता है जो बीएड डिग्री धारक हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी आशाओं पर पानी फेरा था सुप्रीम कोर्ट ने और उसका दोस्तों कुछ ना कुछ गलतियां जो है एनसीटी की थी। क्यों? क्योंकि देखिए, एनसीटी ने मजबूती से अपने पक्ष को रखा नहीं। ठीक है, जब आपने 2018 से 2023 के बीच में गजट लाया तो उसमें 5 साल में जितने भी बीएड अभ्यर्थी थे, अगर सुप्रीम कोर्ट बीएड को बाहर कर रही थी तो आपको ये पक्ष रखना चाहिए था कि देखिए, हम 2018 से 2023 के अभ्यर्थियों को रिलैक्सेशन मिल जाए। ठीक है, लेकिन इसके लिए एनसीटी ने कुछ नहीं किया था। तो फाइनली बच्चों ने क्या किया, जो शिक्षा मंत्री हैं उनको टैग किया और उनको याद दिलाया कि 2018 से 2023 के बीच में जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं उनको प्राथमिक शिक्षा भर्ती में आप बैठने का मौका दे दें। तो इस पर जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, इनके द्वारा दोस्तों कोई भी ये कह सकते हैं ट्वीट नहीं आया, लेकिन दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दोस्तों ये पता चला कि 2018 से 2023 के जितने भी बीएड धारक हैं उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठाने के लिए सरकार कदम बढ़ा रही है। ठीक है, तो 2018 से 2023 के बीच में जितने भी बीएड धारक हैं उनको प्राथमिक शिक्षा भर्ती में बैठने का मौका मिल सकता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पड़ चुकी है जो कि सोमवार को सुनवाई होगी। वो 2018 से 2023 के बीच में जितने बच्चे हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब जो है फैसले बीएड के पक्ष में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। बड़े बड़े विशेषज्ञ यही बता रहे हैं कि 2018 से 2023 के बीच में जितने भी अभ्यर्थी उनको बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको चैनल के माध्यम सूचित करेंगे। जय